You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने पिछले वीडियो में मल्टीप्लेक्सर देखा, पिछले तीन वीडियो में। अब हम बात करते हैं डी मल्टीप्लेक्सर की। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डीमक्स होता क्या है। तो जैसे कि मल्टीप्लेक्सर हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा था कि पैरेलल में कुछ लाइंस थी और उनको सीरियल में कन्वर्ट कर रहा था। मतलब कुछ इनपुट्स जो है वो पैरेलल में आ रहे थे, उनमें से किसी एक इनपुट को पहले, देन दूसरे को, देन तीसरे को हमें आउटपुट पे भेजना था। तो मल्टीप्लेक्सर का एक काम था कि पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर हम बोल सकते हैं। किसकी सहायता से? सिलेक्ट लाइन ये सिलेक्ट करती थी कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो सिलेक्ट लाइन डिसाइड करती थी। मतलब पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर हम बोल सकते हैं मल्टीप्लेक्सर को। डी मल्टीप्लेक्सर की अगर बात करें तो उसी का इनवर्स है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था, 2 to the power n इनपुट होते थे, n होती थी सिलेक्ट लाइन, एक होता था आउटपुट। यहां उल्टा है, इनपुट होगा एक, सिलेक्ट लाइन तो वही की वही होंगी, कितनी n, तो ये हो जाएगा s0 s1 डेस 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 कहां तक, s ऑफ n माइनस वन, 0 से n-1 मतलब टोटल n हो गई। और इनपुट की जगह क्या, जो इनपुट यहां पे मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट होते थे 2 to the power n, वो अब कितने होंगे, आउटपुट होंगे 2 to the power n। तो देखिए i0 i1 डैश 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 i ऑफ 2 to the power n-1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो एक कम तक जाएगा, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 2 to the power n। तो आउटपुट कितने होंगे 2 to the power n, सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी n, और इनपुट कितना होगा हमारे पास e। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब देखिए डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या होगा, इनपुट पे कुछ डेटा रखा होगा हमारा सीरियल में, पहले डेटा को इनमें से किसी एक पे पहुंचाना है, तो इस पे भी पहुंचा सकते हैं, इस पे भी, कितने ऑप्शन है हमारे पास 2 to the power n ऑप्शंस हैं। तो हमने बताया था कि अगर n बिट्स हों तो उनके कितने टोटल नंबर्स बनते हैं 2 to the power n नंबर्स बनते हैं, मतलब ये n बिट कितने में से 2 to the power n आउटपुट में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकता है। मतलब ये बिट डिसाइड करेंगी कि ये डेटा कहां जाना है। मान लीजिए हम 3 बिट की बात करें, n इज इक्वल टू 3 ले लें, तो 3 बिट में देखिए 000 001 010 011 100 101 110 और 111, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए 7 आउटपुट अगर होते तो ये, अगर हम अब n इज इक्वल टू कितना ले रहा है 3, मतलब सिलेक्ट लाइन कितनी है 3, तीनों 0 होती तो किस पे जाता ये i0 पे, 001 होती अगर सिलेक्ट लाइन तो आउटपुट किस पे जाएगा i1। अब इन पे i की जगह आप क्या लिखोगे, i इनपुट को इंडिकेट करता था, तो आप क्या लिख दोगे, आउटपुट लिख दीजिए कि आउटपुट 0 आउटपुट 1 आउटपुट 2 आउटपुट 3 एंड सो ऑन। जहां हम इनपुट से i डिनोट करते थे इनपुट पे मार्क्स में, वहां इसको क्या बोल देंगे, आउटपुट बोल देंगे। तो ये बहुत ही आसान है, मतलब हम बोल सकते हैं डीमक्स को, डीमक्स क्या होता है, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। ये चीज ध्यान रखना कि इनपुट सीरियल में आएगा और उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, पैरेलल में। कौन सा इनपुट, ये जो सीरियल में डेटा आ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इनपुट होगा, वो इनपुट कौन से आउटपुट पे जाएगा ये कौन डिसाइड करता है, सिलेक्ट लाइन डिसाइड करती है। तो बहुत आसान होता है यहां पे, आउटपुट जो जीरो आउटपुट है, या इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं एफ नॉट एफ वन एंड सो ऑन एफ ऑफ 2 to the power n-1। आउटपुट की जो वैल्यू होगी वो देखिए, सारे के सारे जब जीरो हैं, 2 to the power n-1 कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन s1 कॉम्प्लीमेंट s0 कॉम्प्लीमेंट, जब सारे के सारे जीरो होंगे तो इनपुट कहां पे जाएगा, पहले वाले आउटपुट पे, तो इनटू क्या होगा इनपुट, इसे अगर हम क्या माने इनपुट। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो हमारा क्या हुआ 1 x 2 to the power n मार्क्स हुआ, मतलब इनपुट कितने हैं 1, आउटपुट कितने हैं 2 to the power n और सेलेक्ट लाइन कितनी है n। एक हम एग्जांपल लेते हैं छोटा सा 1 x 4 का, और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस पूरी होती है। मान लीजिए इनपुट है हमारे पास एक, जिसे हम i से डिनोट कर देते हैं, सेलेक्ट लाइन हमारे पास है 2 s0 और s1,
आउटपुट हो जाएंगे चार एफ जीरो एफ वन एफ टू एफ थ्री। ये हुआ वन क्रॉस टू टू दी पावर कितना टू यानी कि फोर, वन क्रॉस फोर जितनी सिलेक्ट लाइन होंगी टू टू दी पावर उतना, वन क्रॉस फोर का ये क्या हो गया डीमार्क्स हो गया। अब इसमें देखिए एफ नॉट कब आएगा, मतलब इनपुट जो है वो एफ नॉट में कब जाएगा जब दोनों क्या हो जीरो हो, एस जीरो का बार एस वन का बार, तो आउटपुट क्या हो जाएगा इनपुट के बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों जीरो जीरो रखोगे, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, तो आउटपुट एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन इंटू आई, तो कितना आ जाएगा आई, मतलब यही इनपुट कहां जाएगा एफ नॉट पे। अगर हम ऐसा लिख दें कि एस वन कॉम्प्लीमेंट और एस नॉट, तो अब देखिए जब एस नॉट वन हो और ये जीरो हो मतलब जीरो वन, तो इस पे आउट इस आउटपुट पे क्या पहुंचेगा यही इनपुट पहुंचेगा, मतलब डिपेंड करता है कि कॉम्बिनेशन क्या है। इसी तरीके से एस वन एस नॉट कॉम्प्लीमेंट आई और एस वन एस नॉट आई, इस तरीके से हम बोलेंगे कि सेलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि आउटपुट पे कौन सा, सॉरी इनपुट जो है वो कौन से आउटपुट पे पहुंचेगा। अब यहां देखिए डीमक्स की एक प्रॉपर्टी है कि एक साथ मल्टीपल आउटपुट देता है, तो एक साथ बहुत सारे फंक्शंस को इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मक्स में हम केवल एक ही आउटपुट प्राप्त करते थे तो एक बार में केवल एक ही फंक्शन इंप्लीमेंट करते थे, इसमें कितने एक से ज्यादा फंक्शंस को इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। जैसे देखिएगा मान लेते हैं कि इस पे ए दे दिया और इस पे बी दे दिया और आई की वैल्यू दे दी हमने वन, तो आप देखिएगा जरा एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू वन, आई वन है दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स थ्योरम से। तो देखिए एफ नॉट जो है वो क्या बता रहा है नॉर गेट को डिनोट कर रहा है। यहीं पे अगर हम एफ थ्री चेक करें, एफ थ्री चेक करें तो एफ थ्री जो है वो हो जाएगा हमारा ए डॉट बी, ए डॉट बी और आई है वन, तो ये कौन सा गेट बन गया है एंड गेट बन गया है। यहीं पे अगर हम F1 और F2 चेक करें तो F1 हो जाएगा A बार B इंटू वन, तो A बार B और F2 चेक करें तो हो जाएगा A B बार। इन्हीं दोनों को अगर हम एक और गेट से पास कर दें, अगर किससे पास कर दें और गेट से, और आउटपुट अगर F हो तो वो आउटपुट F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल टू A बार B प्लस A B बार दैट इज इक्वल टू XOR गेट बन जाएगा। मतलब डीमल्टीप्लेक्सर की सहायता से एक बार में हम बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे आउटपुट निकाल सकते हैं, तो बहुत सारे फंक्शंस को, मल्टीपल फंक्शंस को एक ही बार में हम डिजाइन कर सकते हैं किसकी सहायता से डीमक्स की सहायता से। तो ये बहुत ही आसान है कि हम डीमक्स की सहायता से क्या करते हैं इनपुट एक देते हैं और आउटपुट मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम एक समरी टाइप की समझ लेते हैं कि हमने मक्स और डीमक्स में क्या देखा, मक्स और डीमक्स में हमने देखा क्या है। देखिए मल्टीप्लेक्सर जो है उसका काम होता है पैरेलल डेटा को किसमें कन्वर्ट करना सीरियल डेटा में कन्वर्ट करना। तो डीमल्टीप्लेक्सर जो होगा वो जस्ट इसका इनवर्स होगा, ये क्या करता है सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करता है, पहली चीज। मक्स में ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मक्स में इनपुट लाइन होती है टोटल टू टू दी पावर एन, आउटपुट लाइन होती है कितनी वन, और सिलेक्ट लाइन जो है वो कितनी होती है एन होती है। डीमक्स में अगर हम बोले तो इनपुट लाइन होती है वन, इसका जब जस्ट इनवर्स हो जाता है, आउटपुट लाइन होती है टू टू दी पावर एन जहां पे सिलेक्ट लाइन क्या होती है एन होती है, ये हमने सीखा। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि जब हम मक्स की सहायता से किसी फंक्शन को डिजाइन करते हैं तो केवल और केवल सिंगल फंक्शन को ही डिजाइन कर सकते हैं एक मक्स की सहायता से। यहां पे सिंगल मक्स की सहायता से चूंकि आउटपुट कितने होते हैं टू टू दी पावर एन, तो एक साथ कितने फंक्शन डिजाइन इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं टू टू दी पावर एन फंक्शंस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना।
दोनों में प्रैक्टिकल जो आप अंतर समझ सकते हो वो चीज पे विशेष ध्यान रखना कि सेलेक्ट लाइन एक प्रकार से क्या है ये डिसाइड करता है। देखिए मक्स में क्या होता है, बहुत सारे इनपुट होते हैं, ये सेलेक्ट लाइन एक आउटपुट, तो हर इनपुट पे कुछ ना कुछ डेटा है। अब कौन सा डेटा आउटपुट पे जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, सेलेक्ट लाइन डिसाइड करती है कि इस ये सारे डेटा पैरेलल में सारा डेटा एक साथ आएगा तो कौन सा डेटा पहले जाएगा आउटपुट पे वो कौन डिसाइड करेगा, सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी। कैसे डिसाइड करेंगी, सेलेक्ट लाइन की वैल्यू से, भाई 010 होगा तो ये 2 मतलब I2 वाला डेटा जाएगा, अगर 011 होगा तो 3 मतलब I3 वाला डेटा जाएगा। तो कौन सा इनपुट, बहुत सारे इनपुट है ना यहाँ पे, तो कौन से इनपुट का डेटा आउटपुट पे जाएगा ये कौन डिसाइड करता है, सेलेक्ट लाइन। तो ये क्या होता है, मक्स होता है। डी मक्स में क्या होता है, इनपुट एक ही रहेगा, आउटपुट बहुत सारे रहेंगे, कितने 2^n और सेलेक्ट लाइन रहेंगी n। तो अब इनपुट पे डेटा अगर रखा हुआ है तो जो डेटा है वो कौन से वाले आउटपुट पे जाना है ये कौन डिसाइड करेगा, सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी। मतलब यहां पे क्या होता है, ऐसे समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए इनपुट का मतलब है सेलर, कि कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, आउटपुट का मतलब है बायर, मतलब कोई खरीदना चाहता है। तो मल्टीप्लेक्सर में खरीदने वाला व्यक्ति एक है, बेचने वाले बहुत सारे हैं, और सेलेक्ट लाइन समझ लीजिए कि ये एक ट्रेडमार्क है जो ये डिसाइड करता है कि किसका प्रोडक्ट अच्छा है, किसका प्रोडक्ट अच्छा है मतलब जो नंबर्स आ जाएंगे वो डिसाइड कर लेगा कि इसका प्रोडक्ट अच्छा है, तो ये वाला डेटा आप ले लीजिए, मतलब इस वाले जो मटेरियल है या जो आप परचेज करना चाहते हो उसको आप परचेज कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि सेलर एक है और बायर मल्टीपल है, खरीदने वाले बायर एक है, खरीदने वाला एक है यहाँ, और सेलर मतलब बेचने वाले बहुत सारे हैं। तो क्या है, ये जो सेलेक्ट लाइन है ये डिसाइड करेगी कि किसका मटेरियल, किसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा वो आउटपुट पे जाएगा। तो प्रोडक्ट अच्छा होने से यहाँ क्या मतलब है कि सेलेक्ट लाइन में जो नंबर्स आएंगे वो नंबर डिसाइड करेंगे कौन सा वाला इनपुट आउटपुट पे पहुंचाना है। यहाँ देखिए बेचने वाला व्यक्ति एक ही है और खरीदने वाले बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप सोचोगे बहुत सारे इनपुट तो है तो एक टाइम पे तो एक ही रहेगा पहला, ये किसके पास जाएगा, फिर दूसरा आएगा, क्योंकि सीरियल में डेटा अलग अलग टाइम पे आता है ना। तो फर्स्ट डेटा की अगर बात करें तो आप बेचने वाला व्यक्ति एक है, खरीदने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो ये किसके लिए कॉम्पिटेबल है ये कौन डिसाइड करेगा, सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेंगी कि ये प्रोडक्ट इन वायर्स में से, ये जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं उनमें से किसके लिए ये प्रोडक्ट कॉम्पिटेबल है ये कौन डिसाइड करेगा, सेलेक्ट लाइन। कॉम्पिटेबल का यहां मीनिंग क्या है कि भाई मान लीजिए अगर 011 आ गया तो हम बोलेंगे कौन से वाले पे, F3 आउटपुट पे ये इनपुट पहुंच जाएगा। तो बस ये अंतर है कि यहाँ इनपुट मल्टीपल होते हैं, मतलब बहुत सारी च्वाइसेस होती हैं इनपुट की, आउटपुट एक ही होता है। यहाँ इनपुट एक होता है और आउटपुट बहुत सारे, मतलब ये इनपुट कहीं भी जा सकता है, तो वो कौन डिसाइड करता है, सेलेक्ट लाइन। यहाँ भी कौन डिसाइड करता है, सेलेक्ट लाइन। तो बेसिक ये डिफरेंस है मक्स और डी मक्स में, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मक्स और डी मक्स के हमारी तरफ से टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया है, अगर कुछ बचा हुआ है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो हम वो भी कंप्लीट करा देंगे। और आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो उनको शेयर कीजिए, जिससे ये नॉलेज बाकी लोगों तक पहुंचे, बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और ध्यान रखना अगर कहीं कोई गलती हो जाती है, देखिए गलतियां भी इंसान से होती हैं, कुछ गलती हो जाती है तो उसे आपको अगर समझ में आ जाती है तो आप सुधार भी लीजिए खुद से, और आपको लगता है कि आपको मेंशन करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे मैं या तो पॉसिबल होगा तो चेंज कर दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि भाई ये गलती है। तो ये हर एक वीडियो में आपको ध्यान रखना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप तक लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। और कभी भी रेंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने लॉजिक रहते हैं, तो आपको ऑर्डर में वीडियो देखना है। ऑर्डर में वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखी रहती है। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।